नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेशियोज इन फंडामेंटल क्रेडिट एनालिसिस। जैसा कि आपने हेडिंग देख चुके हैं अभी तक, इवैल्यूएटिंग क्रेडिट क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। रेशियोज सूनर और लेटर हर जगह आ ही जाते हैं। हम लोगों ने जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखा था तो एक्टिविटी रेशियोज के बारे में हमने स्टडी की थी। जब हम इक्विटी एनालिसिस पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने कई सारे मार्जिन्स और रेशियोज की डिस्कशन किया था, और यहां पे अब हम जब फिक्स इनकम पढ़ रहे हैं तो यहां पे भी हम क्रेडिट क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए कौन कौन से रेशियोज रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम स्टडी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि दो तरह के मैंने हेडिंग्स बनाए हैं, एक लेवरेज रेशियोज और एक कवरेज रेशियोज। बिफोर वी गो टू दोस पार्ट, हम पहले कुछ टर्म्स समझते हैं जो इन रेशियोज में यूज हुए हैं। वैसे ये सारे टर्म्स आपने एफआरए में गो थ्रू किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार क्विकली इन सब पे एक डिस्कशन ले लेते हैं। पहला टर्म जो हमारा यूज होगा वो है एबिड्डा। नाम से ही पता चलता है, नाम में ही फॉर्मूला, फॉर्मूला में ही नाम। व्हाट इज एबिड्डा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। मतलब एक कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट डेप्री और अमोर्टाइजेशन से पहले। बेसिकली डेप्री और अमोर्टाइजेशन से पहले इसलिए बिकॉज डेप्री और अमोर्टाइजेशन हम किसी को देते नहीं है, और इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर से इंपैक्ट नहीं करना चाह रहे, और हम यही देख रहे हैं कि डेट वालों को रीपे करने के लिए कितना पैसा है। तो उस केस में डेप्री और अमोर्टाइजेशन हम माइनस नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, बिकॉज वो सिर्फ हम लोग नॉन कैश एक्सपेंस की तरह माइनस कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग कई बार प्रॉफिट लेके उसमें जो सारी चीजें ऐड करते हैं तो एबिटडा बोलता है कि सीधा पहले ही ले लो, लेकिन इसका एक डी मेरिट है कि हम इसमें केपेक्स कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम रेशियोज का कवरेज देख रहे हैं तो हम फाइनली फोकस करते हैं कैश फ्लो पे, और कैश फ्लो हमारे हाथ में कितना बच रहा है उसके लिए केपेक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, तो वो इसका डी मेरिट है। बाकी इबिडा इज वेरी सिंपल, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन। मतलब सेल्स लेस कॉग्स आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद उसमें से हम हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे डेप्री अमोर्टाइजेशन को छोड़ के और इंटरेस्ट को छोड़ के, तो हमारा एबिटडा आ गया। ये मेजर कर रहा है कंपनी की अर्निंग्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस, लेकिन डेप्री अमोर्टाइजेशन तो नॉन कैश होते तो वो हमने डिडक्ट नहीं किया, और हम लोग क्योंकि डेट का ही रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करें तो अभी इंटरेस्ट वाले को देने के लिए भी हमारे पास कितना कैश लो अवेलेबल है वो, लेकिन डी मेरिट क्या है, केपेक्स को ये कंसिडर नहीं करता। फिर आता है हमारा FFO, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। इट इज सेम एज कैश लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन याद होगा, हम लोग क्या करते थे, हमारा प्रॉफिट लेते थे, प्रॉफिट में क्या ऐड करते थे, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड करते थे, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते थे और वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते थे। तो यहां पे हमारा एफएफओ इज सेम एज सीएफओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्सेप्ट आर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो हमें ध्यान में रखना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फिर है फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है केपेक्स और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब नेट इनकम में डेप्री और अमोर्टाइजेशन ऐड कर दो बिकॉज वो तो नॉन कैश है, तो वो ऐड कर दिया तो इतना हमारे पास कैश अवेलेबल है इस साल के प्रॉफिट से, उसमें से कितना केपेक्स कर दिया, कितना वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर दिया वो हटा दो। तो अगेन नाम से ही पता चल रहा है फ्री कैश फ्लो मतलब कितना कैश अवेलेबल है, बिफोर डिविडेंड मतलब डिविडेंड देने से पहले, और एक आ जाता है फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड। तो फ्री कैश फ्लो बिफोर डिविडेंड माइनस डिविडेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये चार बहुत सिंपल टर्म्स है, एक्सक्लूडिंग नॉन रिकरिंग आइटम्स वो हमें ध्यान में रखना है, वो भी अगेन सिंपल ही है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दिस इज ऑल हमारा ईयरली बेसिस पे कितना कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा जनरेशन होगा रिस्क उतना कम होगा, क्रेडिट क्वालिटी उतनी हायर होगी। जितना कम जनरेशन होगा रिस्क उतना ज्यादा होगा, क्रेडिट क्वालिटी उतनी पुअर होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब फिगर्स जितने बड़े होंगे उतना हमारा रीपेमेंट कैपेसिटी स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही रिस्क कम होगा, क्रेडिट क्वालिटी बेटर होगी। ये सब फिगर्स जितने ये वाले फिगर्स, क्योंकि एबिटडा मतलब ज्यादा कमा रहे हैं, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा है,
फ्री कैश फ्लो बिफोर डिविडेंड या आफ्टर डिविडेंड ज्यादा है, तो अगेन वी हैव मोर अमाउंट टू सर्विस द डेट and more amount the service to service the debt is a good indicator. तो ये मैंने thumb rule बता दिया आपको, जो आपको ध्यान में रखना है. Terms बड़े ही simple है, इसका one marker question आपको कुछ terms दे देंगे तो लगाने. मैंने ratio का formula लिखा नहीं है क्योंकि नाम में ही formula है सबके. तो debt का मतलब यहाँ पे what is that? Debt is our loans taken and capital is हमारे shareholders के funds. तो डेट अपॉन कैपिटल मतलब ये बाहर वालों का डिवाइडेड बाय हमारा. तो बाहर वालों का जितना ज्यादा होगा उतना रिस्की है और हमारा जितना ज्यादा होगा उतना सेफर है. सो दिस इज हायर द रिस्कियर लोअर द सेफर, क्योंकि हम क्रेडिट क्वालिटी चेक कर रहे हैं. ठीक है, लेवरेज मतलब प्रेजेंस ऑफ बोरोड कैपिटल. तो जितना ज्यादा बोरोड कैपिटल होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा. बाहर वालों का अपॉन हमारा वैसा वाला पार्ट हो गया. तो हायर द रिस्कियर लोअर द सेफर. डेट बाय एबिटडा, एबिटडा मतलब ये वाला टर्म हो गया. तो हमने कितना कमाया है बिफोर इंटरेस्ट और डेट कितना है. तो बेसिकली बिफोर इंटरेस्ट हमने जितना भी कमाया डेट उसके कितना गुना है. अगर डेट एबिटडा का बहुत ज्यादा बड़ा फिगर है मतलब हम जो अर्निंग्स है उसको बहुत सालों तक यूज करेंगे तो जाके डेट रिपे होगा. पर डेट हमारे एबिटडा का छोटा ही फिगर है तो नहीं होगा. तो अगेन ये भी सेम वैसा ही है, हायर द रिस्कियर लोअर द सेफर. से फॉर एग्जांपल ये 100 करोड़ है, ये 500 करोड़ है तो काफी सेफ है. ये 100 करोड़ है, ये 20 करोड़ है. ठीक है, तो 5 times हुआ. और दूसरी कंपनी है जिसका यह 100 करोड़ है और यह 50 करोड़ है तो 2 times हुआ. तो जो दूसरी कंपनी थी उसके 2 साल की एबिटडा हमारे डेट को रिपे करने की सक्षम रख रही है और जो पहली कंपनी थी उसके 5 साल का एबिटडा. तो पहली कंपनी विल बी रिलेटिवली रिस्कियर एज कंपेयर टू सेकेंड कंपनी, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लगने वाला है तो उसकी क्रेडिट क्वालिटी पुअर हो गई. सो हायर द रिस्कियर लोअर द सेफर. एफ एफ ओ बाई डेट मतलब फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बाई डेट. अब देखो नीचे आ गया डेट, डेट अगर नीचे आ गया तो चेंज हो जाएगा. बिकॉज सपोज 100 करोड़ नीचे आ गए हैं और फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे 35 करोड़, मतलब हमारी टोटल डेट का 35% हमारे ऑपरेशन से अभी जनरेट हो गया. तो जितना ज्यादा जनरेशन होगा, अगर ये 50 करोड़ होगा तो और अच्छी बात है. अगर 100 करोड़ की डेट पे 100 करोड़ का फंड ही हमारे ऑपरेशन से जनरेट हो गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. तो इस केस में क्योंकि डेट नीचे आ गया है तो डेट जितना बेसिकली एफएफओ जितना बड़ा होगा उतना सेफ हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, हायर द सेफर लोअर द रिस्कियर. एंड एससीएफएफ आफ्टर डिविडेंड्स मतलब ये वाला पार्ट हो गया अपॉन डेट. तो डिविडेंड देने के बाद फाइनली फ्री, वो तो पूरा फ्री कैश हो गया ना, केपेक्स भी कर दिया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी हो गए, डिविडेंड भी दे दिया, मतलब वो तो नेट अमाउंट है ही हमारे पास अवेलेबल टू सर्विस द डेट पेमेंट्स. तो ये तो जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी बात है. हमेशा ध्यान रखना रेशियो में, लिख लो भले चाहे तो पॉज करके. न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो रेशियो इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो डिक्रीज होगा. डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो डिक्रीज होगा और डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो आपका वाइस वर्सा होगा. कोई बोलेगा इसमें नया क्या बताया, बिल्कुल मैंने नया नहीं बताया, बेसिक मैथ्स का ही फंडा जो है वो शेयर किया, क्योंकि कई बार हम लोग अटक जाते हैं. तो ऐसे ही सोचो कि एफसीएफएफ न्यूमरेटर में और एफसीएफएफ क्या है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है डेट को रीपे करने के लिए. तो ये तो जितना ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस उतनी अच्छी बात है, और ये जितना कम होगा ये बुरी बात है, या डेट जितनी कम होगी तो रेशियो उतना बड़ा होगा, अगेन अच्छी बात है. डेट जितनी बड़ी होगी रेशियो उतना छोटा होगा, अगेन बुरी बात है. तो ये क्या होगा, अगेन हायर द सेफर एंड लोअर द रिस्कियर. तो पहले दो में हमारा डेट ऊपर था तो डेट बढ़ेगा तो रिस्कीनेस बढ़ेगा, क्रेडिट क्वालिटी पुअर होगी. ठीक है, या ये जितना छोटा होगा अगेन सेम. तो इन दोनों में हायर द रिस्कियर था, इन दोनों में हायर द सेफर था. दीज आर अबाउट लेवरेज रेशियो, उसके लिए यही टर्म्स हमने यूज किए हैं. फिर आता है हमारा कवरेज रेशियो. कवरेज रेशियो मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ आवर सर्टेन एक्सपेंस हमारी अर्निंग्स है वैसा, जैसे कि इंटरेस्ट के कितना गुना हमारी एबिटडा है, इंटरेस्ट के कितना गुना हमारा एबिटडा है.
सपोज इंटरेस्ट है हमारा 10 करोड़ का और 30 करोड़ हमारा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट है, डेप्री है एंड अमर्टाइजेशन है, तो अच्छी बात है। क्यों? इंटरेस्ट पेमेंट करने का तो कोई टेंशन नहीं है भैया, लेकिन यही चीज अगर अभी सपोज 15 करोड़ आ जाए तो मन में थोड़ा धकधक होगा, और यही चीज अगर 10 करोड़ आ जाए तो और धकधक होगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट है एग्जैक्टली उतनी अर्निंग्स है, तो प्रिंसिपल पे तो फिर हमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है। करेक्ट। तो अगेन एबिटडा इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग अर्निंग्स एंड इंटरेस्ट इज व्हाट रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट वी नीड टू पे टू द बॉन्ड होल्डर्स। तो ये जितना बेटर होगा, बड़ा होगा उतना सेफर होगा, जितना छोटा होगा उतना रिस्कियर होगा। हायर द सेफर लोअर द रिस्कियर, इसके फॉर्मूला तो आपको नाम में ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही नाम है, और यहां पे एकदम सेम है। बस इधर मैंने क्या कर रहा है, डेप्री और अमर्टाइजेशन, मतलब मैंने नॉन कैश एक्सपेंस को भी एड कर दिया, इधर वो नहीं किया है। तो ये इसकी अपनी खूबी है, इसकी खूबी ये है कि डेप्री अमर्टाइजेशन तो हम किसी को देते नहीं है ना, सैलरी देते हैं ये ले सैलरी, कैश देते हैं रेंट देते हैं ये ले रेंट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये ले, बट डेप्री किसी को देते नहीं है, ये लो डेप्री। सो हमारे पास ग्रॉस कैश अवेलेबिलिटी में हमेशा डेप्री और अमर्टाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हो गया, ये कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से हो गया, कहानी दोनों में सेम ही होगी, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रॉफिट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जितना हायर होगा उतना सेफर होगा, और जितना लोअर होगा उतना रिस्कियर होगा। दिस इज आवर क्रेडिट एनालिसिस के रेशियोज, कौन कौन से रेशियोज देखे, लेवरेज रेशियोज, कवरेज रेशियोज, उससे पहले टर्म्स देखे, एबिटडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमर्टाइजेशन, फिर हमने देखा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सीएफओ से कैसे अलग है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन में कंसिडर नहीं करते हैं, फ्री कैश फ्लो मतलब केपेक्स भी हटा दिया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी हटा दिए नेट इनकम में, और डेप्री अमर्टाइजेशन एड कर दिए, और फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड मतलब इसमें से डिविडेंड्स भी हटा दिए। तो ये अगर आपका पॉजिटिव है तो वो तो हाई क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेट कर रहा है। क्या? हाई क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेट कर रहा है। क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड है मतलब उतना तो फ्री का डेट, फ्री का कैश अवेलेबल है फॉर रीपेमेंट टू डेट होल्डर्स। तो अगेन क्योंकि इक्विटी वालों को भी खुश कर दिया, केपेक्स भी कर दिया, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स भी देख ली, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी देख लिया, सब कुछ हो गया, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल ही, तो ये तो बहुत हाई क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेट कर रहा है। ये टर्म्स देखे थे, फिर हमने देखा था डेट अपॉन कैपिटल, ठीक है, डेट जितना ज्यादा तो हायर द रिस्कियर हो गया, फिर हमने देखा था डेट अपॉन एबिटडा, अगेन हायर द रिस्कियर, फिर हमने देखा था एफएफओ अपॉन डेट, डेट नीचे आ गया तो अब हायर द सेफर हो गया, क्योंकि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कितना पैसा अवेलेबल है डेट को सर्विस करने के लिए, और फिर हमने देखा था फ्री कैश फ्लो आफ्टर डिविडेंड जो मैंने ऑलरेडी अभी इधर लिया ही अपॉन डेट, और कवरेज रेशियो में हमने देखा एबिटडा अपॉन इंटरेस्ट और एबिट अपॉन इंटरेस्ट, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव समझाया, कैश फ्लो पर्सपेक्टिव और अकाउंटिंग पॉलिसी पर्सपेक्टिव, अगेन हायर द सेफर एंड लोअर द रिस्कियर, क्योंकि इंटरेस्ट का जितना गुना ज्यादा हमारी अर्निंग्स है उतना अच्छी बात है। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए फॉर इवेल्युएटिंग क्रेडिट क्वालिटी विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है इन सब लेक्चर्स में, और आप चीजें नोट डाउन करते रह रहे हैं, ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।